अल्लाह सल्लम साहब हजूर साहब ने मुझे भी जीवन में कुछ दिया तो मैं भी चाहूंगा कि दो रकात शुक्राने की आपके साथ जरूर करूं। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 1 मार्च 2022 है। कुछ अहम वीडियो और खबरें आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। एक बड़ी खबर तो यह है कि कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर पर सरकार ने 105 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। लेकिन वहीं यूपी के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, भाजपा की हालत कितनी खराब है आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी आपने कई वीडियो देखे होंगे, जैसा कि एक नेता का वीडियो जो भाजपा के नेता थे और मंच पर उठक बैठक लगाने लगे। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रुकी कि मुसलमानों के महल्ले में जाकर भाजपा के नेता अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। और भाजपा के नेता यही नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करके ऐसी ऐसी बातें उनकी जबान पर आने लगी हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालत कितनी ज्यादा खराब है। तो आइए वीडियो आपको दिखा देता हूं, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुंच सके। वैसे तो यूपी के अंदर बहुत जल्द चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं और 2 चरण के मतदान भी बाकी रह गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से यूपी की जनता जवाब दे रही है। वीडियो देखिए और उसको शेयर कीजिएगा। दो रकात शुक्राना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, हुजूर साहब ने मुझे भी जीवन में कुछ दिया तो मैं भी चाहूंगा कि 2 रकात शुक्राने की आपके साथ जरूर करूं। आप ये नहीं चाहेंगे 2 रकात शुक्राने की किसी अच्छे पाक मस्जिद, तो सब पाक है, उस पाक स्थान पर मैं आपके साथ खड़ा होकर आपको देखूं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, हुजूर साहब ने